तो आज की वीडियो में हमारे पास आ रखा है एक पावर हाउस, ये है एम्ब्रेन की तरफ से पावर बैंक जो कि 25,000 एमएच की बैटरी के साथ में आता है। पावर लिट अल्ट्रा करके नाम है और मेड इन इंडिया प्रोडक्ट है भाई, सबसे प्राउड तो यही फीलिंग देता है। अब डिवाइस की अगर बात करूँ तो हम लोग जब भी ट्रैवल कर रहे होते हैं ना, सबसे बड़ी दिक्कत एक ही होती है कि हमारे डिवाइसेस की जो है बैटरी खत्म हो जाती है, फिर चाहे वो हमारा मैकबुक हो या हमारा लैपटॉप हो या फिर हमारा फोन हो। तो उन डिवाइसेज अगर आपको चार्ज करना चाहते हो तो ये है ऑल इन वन पावर बैंक। अब पावर बैंक के बारे में डिटेल में बात करेंगे और उससे पहले डब्बा खोल लेते हैं। डब्बे आपको देखो बढ़िया ब्रांडिंग वगैरह कर रखी है, नीचे यहाँ पे मेड इन इंडिया भी लिखा हुआ है। 25,000 एमएच की बैटरी है, पावर लिट अल्ट्रा करके ये मॉडल है। बॉक्स के पीछे आपको थोड़ी बहुत स्पेसिफिकेशन दे रखी है। कंटेंट पैकेज की बात करें हम लोग यहाँ पे, तो आपको मिलेगा सबसे पहले आपका पावर बैंक, दूसरा आपको मिल जाएगा एक कार्ड जिसमें वारंटी प्लस अगर आपको कोई भी सवाल है डिवाइस से रिलेटेड, कोई दिक्कत आ रही है तो आप क्वेश्चन कर सकते हो, उनका कॉन्टेक्ट डिटेल वगैरह दे रखी है। तीसरी आपको मिल जाती है यहाँ पे हाई क्वालिटी ब्रेडेड केबल, यानी कि प्रॉपर स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ वाली टाइप सी टू टाइप सी केबल से अपने पावर बैंक को भी चार्ज कर सकते हो और पावर बैंक से दूसरे डिवाइसेस को भी चार्ज कर पाओगे। बट बात करूं मैं सीधे पावर बैंक के बारे में तो क्वालिटी बढ़िया लगी मुझे, प्लास्टिक का इन्होंने यहाँ पे यूज कर रखा है और ऊपर यहाँ पे ऑरेंज और ब्लैक कॉम्बिनेशन में आपको देखने को मिलेगा। मैट फिनिश है, हेवी डेफिनेटली फील होता है क्योंकि 25,000 एमएच की पावर आपको इसमें देखने को मिलती है। बाकी कैरी करने के लिए इजी, मतलब जैसे बैक पैक में अगर आप कैरी करना चाहोगे तो आप इसको इजीली कैरी कर सकते हो। थिकनेस वाइज देखोगे तो थोड़ा सा थिक कहीं ना कहीं फील होगा, बट जो काम है इसका मेन काम की बात कर लेते तो यहाँ पर आपको एक बटन देखने को मिलेगा ये फ्रंट में, जिससे आप कोई भी डिवाइस कनेक्ट करते हो तो फिर ये बटन दबा देना और आपके डिवाइस चार्ज होना शुरू हो जाता है। प्लस यहाँ पे आपको 11 इंडिकेशंस मिलेंगे बैटरी को लेके कितना आपका जो पावर बैंक के चार्ज है, तो यहाँ पे आपको 11 छोटे छोटे इंडिकेशन प्रोवाइड कर रखे हैं। टॉप पे आपको सारे पोर्ट मिल जाते हैं, दो इन्होंने यूएसबी वाले पोर्ट दे रखे हैं और एक आपको यहाँ पे टाइप सी पोर्ट दे रखा है इन्होंने, जिससे अपने मैकबुक वगैरह चार्ज कर सकते हो या फिर अपने टाइप सी वाले फोन वगैरह भी डायरेक्ट चार्ज कर सकते हो। और यूएसबी वाले जैसे दे रखा है, मतलब ऑप्शन तो यूएसबी वाला काफी ज्यादा प्रेफरेबल रहेगा। अब कौन सी केबल आपके पास है उसके हिसाब से डिपेंड करता है, बट टाइप सी से आपको थोड़ी सी फास्ट चार्जिंग कहीं ना कहीं देखने को मिलती है जो कि केबल उन्होंने प्रोवाइड कर रखी है उसका अगर आप यूज करोगे तो। अब अगर पावर बैंक की बात करूं तो मैक्सिमम जो ये 100 वॉट की पावर बूस्ट चार्जिंग प्रोवाइड करता है, तो इन केस अगर अपने मैकबुक वगैरह को चार्ज करने वाले हो आप, तो मैकबुक को आप अराउंड 5 to 8 hours एक्सटेंशन कहीं ना कहीं प्रोवाइड कर सकते हो। और अगर मैं चार्जिंग कैपेसिटी को लेके बात करूं तो एग्जांपल के तौर पर अगर आप सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा यूज कर रहे हो तो ये उसको 3 यानी कि लगभग 3 to 4 बार चार्ज कर देता है। वहीं अगर आप iPhone 13 यूज कर रहे हो तो 4 to 5 बार इसको ये फुल्ली चार्ज कर देता है, तो इतनी पावर ये रखता है। और सबसे क्रेजीएस्ट थिंग मुझे क्या लगे ना कि इस डिवाइस से अब जैसे आप अपने लैपटॉप वगैरह को चार्ज करना चाहते हो, स्पेशली मैकबुक यूजर अगर आप हो, तो 10 घंटे का आपको एक्स्ट्रा एक्सटेंशन या कहीं ना कहीं प्रोवाइड कर देता है। और अगर नॉर्मल लैपटॉप्स की मैं बात करूं, जैसे डेल वगैरह या एचपी वगैरह के आप यूज कर रहे हो, तो उनको 8 घंटे तक का एक्सटेंशन ये प्रोवाइड करता है, जो कि काफी इंप्रेसिव बात है। प्लस यहां पर इन्होंने एक स्मार्ट पावर सप्लाई टेक्नोलॉजी का यूज कर रखा है, जैसे अगर आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, अगर आप दो यूएसबी पोर्ट यहां पर साथ में यूज करोगे तो ये 7.5 वॉट और 7.5 वॉट में दो में डिस्ट्रीब्यूट कर देता है। प्लस अगर आप तीनों पोर्ट में डिवाइसेस लगा के, यानी कि 3 डिवाइसेस साथ में चार्ज कर रहे हो, तो यहां पे आपको 5 वॉट का 2 डिस्ट्रीब्यूशन आपको इसके यूएसबी में मिलेगा और 10.5 वॉट का डिस्ट्रीब्यूशन आपको मिल जाएगा इसके टाइप सी पोर्ट से। और वहीं अगर आप एक टाइप सी और एक यूएसबी का यूज करने वाले तो 12 वॉट का मैसिव चार्जिंग सप्लाई मिलेगा आपको टाइप सी से और साथ में आपको मिलेगा 7.5 का विद यूएसबी। तो काफी पावरफुल सप्लाई कहीं ना कहीं मिल जाता है, तीनों डिवाइसेस साथ में भी आप चार्ज कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं आने वाली है। आपको फोन भी लगा सकते हो, आपके मैकबुक को भी लगा सकते हो और एक और अगर एक्स्ट्रा फोन है आपके पास तो उसको भी चार्जिंग पे लगा सकते हो। अब वैसे यहाँ पे मैं यूएसबी के मैक्सिमम आउटपुट की बात करूं तो 20 वॉट का मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा आपको यूएसबी पोर्ट से। वहीं अगर आप टाइप सी पोर्ट से चार्ज करने वाले हो तो मैक्सिमम आपको 100 वॉट का आउटपुट देखने को मिलता है, जो कि काफी मैसिव है। इनपुट भी आप 100 वॉट का ले सकते हो, अगर आपको इस पावर बैंक को जल्दी चार्ज करना है तो 100 वॉट के फास्ट चार्जर से आप इस डिवाइस को बहुत जल्दी भी चार्ज कर सकते हो। हाँ, बट जैसे एक जो सबसे बड़ा सवाल जब भी पावर बैंक खरीदते हैं तो हम लोगों को चार्जिंग टाइम को लेकर आता है कि पावर बैंक चार्ज कितने टाइम में होगा, तो यहाँ पर जैसे कि 100 वॉट का चार्जर आप यूज करने वाले हो तो 2 घंटे में ये फुल चार्ज हो जाता है, क्योंकि काफी सारे यूजर्स हैं जिनके पास 100 वॉट का चार्जर होगा नहीं, तो मैक्सिमम काफी सारे 35 का मिनिमम 35 आजकल काफी कॉमन हो गया है जो फोन्स के साथ में आने लगा है 35-45 वाला, तो अराउंड आप 3 to 4 घंटे तो मान के चलो अगर आप नॉर्मल चार्जर यूज करते हो। बट चूंकि ये 100 वॉट का इनपुट सपोर्ट करता है तो सेपरेट चार्जर आप खरीद सकते हो इस पर्टिकुलर पावर बैंक को चार्ज करने के लिए। और वैसे USB 3.0 के साथ में आता तो कहीं ना कहीं आपको फास्ट चार्जिंग टेक्नोलॉजी का यहाँ पे पूरा यूज होते हुए देखने को मिलेगा। और साथ ही में ये BIS सर्टिफाइड है, तो जैसे काफी सारे लोगों के दिमाग में क्वेरी होती है ना कि फटने वटने का तो कोई डर तो नहीं है, तो नहीं, ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि सर्टिफिकेशन के साथ में आता है। तो काफी तगड़ा पावर बैंक है और 25,000 एमएच की बैटरी मेरे हिसाब से
बहुत पावरफुल। अगर आप कहीं भी बाहर ट्रेवल कर रहे हो अपने लैपटॉप, आईपैड या फिर अपने फोन को कैरी करो, तो तीनों को आप चार्ज करने के लिए मतलब ये बहुत ताकत रखता है। तो इसकी जो प्राइसिंग करेंटली है जो इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे, वो 5,000 रुपीज़ है। बाकी अगर आप डिस्काउंट वगैरह कुछ ऑफर्स वगैरह आपको मिलते हैं, कूपन वगैरह मिलेंगे, सेल वगैरह आती रहती है, तो थोड़ा कम में भी मिल सकता है। तो अगर आप इस पर्टिकुलर डिवाइस को चेकआउट करना चाहते हैं, तो इसकी जो बेस्ट बाय लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हैं। या फिर और कोई सजेशन आपके दिमाग में है कि कौन सा पावर बैंक इस प्राइस रेंज में खरीदना चाहिए, बजट में खरीदना चाहिए, तो वो भी आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। बाकी इतना ही था इस वीडियो में। अगर आपको इन्फॉर्मेटिव लगा है तो जरूर से उन दोस्तों के साथ शेयर करना जिनको पावर बैंक की सख्त जरूरत है। और बस बाकी नए हो चैनल पे, अच्छा लगा कंटेंट तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। मिलेंगे जल्द नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सेटल रहिएगा इंदौरी के साथ।